विराट कोहली हिंदुस्तान के हर क्रिकेट लवर का रोल मॉडल। विराट को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो इस मुकाम पर कैसे पहुंचे ये बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी सक्सेस के साथ साथ उनकी जर्नी भी बहुत महान है। तो आइए जानते हैं विराट कोहली के बारे में कुछ पर्सनल बातें। हाय, मैं हूं जस्मिन पटेल और आपका जी चिल्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विराट कोहली की लाइफ के बारे में और उनकी जर्नी के बारे में। इंडियन क्रिकेट टीम में सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी के बाद जिस खिलाड़ी ने टीम को मजबूती दी है और अपनी धाक बनाई है वो है विराट कोहली। आज विराट कोहली को इंडियन क्रिकेट टीम का बैकबोन भी कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे प्रतिभाशाली और होनहार क्रिकेटर्स में से एक है। विराट का पूरा नाम है विराट प्रेम कोहली। उनका जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता प्रेम कोहली एक एडवोकेट थे और उनकी माता सरोज कोहली हाउसवाइफ है। विराट का एक बड़ा भाई भी है जिनका नाम है विकास और एक बहन भी है जिनका नाम है भावना। विराट घर में सबसे छोटे हैं। विराट जब 3 साल के थे तभी से उन्होंने क्रिकेट का बल्ला हाथ में उठा लिया था। वो जैसे जैसे बड़े होते गए क्रिकेट उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बनता गया। शायद आपको याद होगा 1998 में शारजहां में सचिन तेंदुलकर ने लगातार 2 सेंचुरीज लगाई थी। उसी इनिंग्स को देखने के बाद विराट के पिता ने डिसाइड कर लिया था कि वो विराट को क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवाएंगे और उसी साल 30 मई 1998 को विराट ने दिल्ली की WDCA क्रिकेट एकेडमी में पहला कदम रखा। विराट के पिता का यह सपना था कि विराट एक दिन इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेले। विराट कोहली पढ़ाई में एवरेज थे और उन्होंने 12th क्लास तक की ही पढ़ाई की है, लेकिन बचपन से ही क्रिकेट ही विराट की असली पढ़ाई रही है। विराट के क्रिकेट के कोच राजकुमार शर्मा का कहना था कि विराट को क्रिकेट इतना अच्छा लगता था कि वो पूरा दिन क्रिकेट एकेडमी में ही रहते थे। आगे जाके विराट को दिल्ली की अंडर 15 टीम में शामिल कर दिया गया और उन्होंने 2002-03 में पॉली उमरिगर ट्रॉफी में पहली बार प्रोफेशनल क्रिकेट खेला। 2004 के पूरे होते होते विराट दिल्ली की अंडर 17 टीम का हिस्सा बन चुके थे। उनका परफॉर्मेंस बेटर से बेटर होता जा रहा था। वो अपनी मंजिल की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनके पिता भी उनके ग्रोथ को देखकर बहुत खुश थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 18 दिसंबर 2006 को विराट के पिता प्रेम कोहली की मृत्यु हो गई। पिता के जाने के बाद विराट पूरी तरीके से टूट चुके थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उनको क्रिकेट खेलना भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब उनके कोच राजकुमार शर्मा ने उनको समझाया कि तुम्हारे पिता का सपना था कि तुम एक दिन इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलो और अभी रणजी टीम को तुम्हारी जरूरत है। विराट दूसरे ही दिन खेलने गए और उस मैच में उन्होंने 90 रन बनाए और उस मैच में भी विराट अंपायर की गलत डिसीजन की वजह से आउट हुए थे। और उस सीरीज के खत्म होने के बाद ही विराट ने अपने पिता का क्रियाकर्म किया। आगे जाके जुलाई 2006 में विराट ने भारत की अंडर 19 टीम में अपनी जगह बना ली और मार्च 2008 में वो अंडर 19 टीम के कैप्टन बन चुके थे। अंडर 19 के वर्ल्ड कप में विराट ने शानदार प्रदर्शन किया था। उसके बाद 2009 में विराट को भारत की टीम में सिलेक्ट कर लिया गया। विराट को लग रहा था कि उनको मैच खेलने का मौका नहीं मिलेगा और वो रिजर्व में ही बैठे रह जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेशन के दौरान वीरेंद्र सहवाग इंजर्ड हुए और विराट को फाइनली मैच खेलने का मौका मिल गया। और उस दिन से लेकर आज तक विराट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। विराट ने पद्मश्री अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, सर गारफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी, ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, विस्डन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, पीपल्स चॉइस अवार्ड्स इंडिया फॉर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, अर्जुना अवार्ड फॉर क्रिकेट, ICC अवार्ड फॉर टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अपने नाम किया है। विराट ने बैटिंग में तो कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि विराट ही है जो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएंगे। लेकिन विराट ने बॉलिंग में भी एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है जो शायद ही कोई तोड़ पाएगा। तो हुआ यूं कि 2011 में विराट ने पहली बार वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग की और उनका पहला ही बॉल वाइड निकला, लेकिन उसी बॉल पर केविन पीटरसन स्टंप्ड हो गए। तो विराट ऐसे पहले बॉलर बन गए जिनका पहला बॉल काउंट नहीं हुआ लेकिन उन्होंने उस बॉल पर विकेट ले ली। ओके, देन आज की बात यही तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और हमको कमेंट करके जरूर बताना कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है। और अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज आपको यहाँ पर ऐसे ही मीनिंगफुल वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।